हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंश मिश्रा। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज जो है दिन हमें याद नहीं आ रहा, कौन सा बुधवार है, तारीख है आज 15 जून की। हम लोग जा रहे हैं कहीं आज घूमने। घूमने कौन कौन जा रहा है? कॉलेज का पूरा स्टाफ, न्यूग्रेड फादर्स इंटर कॉलेज का। साइज जो है कानपुर यहाँ से लगभग 110-120 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। सर, ये लोग जो है लट्ठा लेके आया था। जो है स्विफ्ट वाली गाड़ी भी आई, इसमें जो पापा लोग सब लोग हैं। पापा मल्लाबा में जो है देखो ये चीज फेमस है, इसका नाम है लट्ठे बोले जाते हैं। ये जो है लट्ठे बोले जाते बने होते हैं बेसन के, उन्हें खाया जाता मिर्चे के साथ। तो अभी जो है ये सब लोग लट्ठे खा रहे हैं, पिछवाड़े पे नहीं मुँह पे। सामने जो है यह है यमुना एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट करता है आगरा और लखनऊ को। इसकी दूरी जो है करीब करीब 300 किलोमीटर। यहाँ पे चेंज ओवर है। ये जो है अखिलेश यादव की सरकार में बना था और काफ़ी रिकॉर्ड टाइम में बना था। नीचे वाली रास्ता जो है जैसे हम लोग जा रहे हैं वो है कानपुरपुर के लिए, ऊपर वाली है आगरा लखनऊ वाली। एक दो हम लोग यहाँ पे ब्रू वर्ल्ड के पास पहुँचने वाले हैं। वाटर पार्क के पास लगभग आधा किलोमीटर बचा। हम लोगों ने जो है ये कवर खरीद लिया। ये जो है मोबाइल कवर है, मतलब वाटर प्रूफ कवर है। मतलब तो ये जो भी हम लोग वाटर पार्क के सामने खड़े हैं अभी, क्योंकि दूसरी गाड़ी आनी बाकी। पीछे वो जो सामने साइड में देखो वाटर पार्क वाले जो है फाउंटेन वगैरह हैं। काफ़ी भीड़ दिख रही थी आज। चलो और बड़ी जो है मुश्किल से मिली टिकट बेचारे गोपाल, आधा से आधा घंटा तक लाइन में लगे रहे होंगे करीब। चलो सब लिए चलो लंच। तो इसमें जो है हर दिन के हिसाब से अलग अलग टिकट होती है। बैठने से थर्सडे वाले दिन जो है फुल पार्क की टिकट जो है 850 रुपये की, जिसमें आपको दोपहर में लंच भी मिलेगा। आज बाकी जो है सैटरडे संडे को 1000 रुपये की टिकट होती है। चलो तो देखो हमारे पास क्या रह जाएगा। बैंड मिलेंगे, बैंड भी यहाँ पे जो है एंट्री पे ही आपको फंटा मिलेगा। नहीं यहाँ से बनाए आते जो है आपको फंटा मिलेगा। बिल 19 आता 10 लोग कितने यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो। हमने भी तो भेजी थी। वो तो वीडियो आने लगा था, देखो डबल वीडियो है ना। ये सही है, अरे डबल वाला दोनों लो।
तो अभी जो हम लोग यहाँ वाटर पार्क के अंदर आ चुके हैं। ये जो इलाका है कुछ कुछ बनाया गया जैसे वेनिस वाला इलाका, वेनिस वाली थीम जैसी लग रही विदेशों की तरह बिल्कुल, वैसे यहाँ पे जो है बिल्डिंग के नक्शे से बनाए गए हैं। अभी जो है हम लोग पीछे ड्रेस वगैरह ले रहे हैं, ड्रेस काउंटर वगैरह उसी के लिए भागा दौड़ी हो रही है। टाइम जो 12 बजे से ऊपर हो गया, आधा दिन तो इधर ही निकल गया। दो बेल लाकर देना, लाकर देना, लाकर ले लो, बड़े वाले, बड़े वाले जल्दी चलो, बहुत गर्म है भैया, अरे गुरु जी जल्दी। हाँ अरे यार उसके लिए हम लोग इंतजार में खड़े हुए हैं। दादा दादा के भी नीचे वाले जो लोग ही हैं वहाँ भोपाल क्यों मोबाइल ली कहाँ तो से तुम सोच रहे हैं बता ध्यान दे तो बड़ी समस्या है मोबाइल लेके देते हैं इस वाले झूले कैसे झूलेंगे आप समझ में नहीं आ रहा। मानन आगे मिलियो जो है हाई वाली राइड पे गए तो हमने वीडियो भी बनाया लेकिन क्या हुआ कि गलत 2 सेकंड बाद वीडियो ही रुक गई थी। लंबी राइड थी बनाई हम लोग आगे चलो हाय पूरी लंबी सी राइड थी बताओ कैसा एक्सपीरियंस था लंबी वाली राइड का क्या कैसा लगा। तो ये लोग क्या ये रसीद तो रख लो इसी में हमें चाबी लो हम एक बार ये सब मोबाइल पर रखने में अंदर फोटो लंच जो है टिकट में ही इंक्लूडेड था और जो सर्विंग स्टाइल था उसे देख के जो चेन्नई में इसकी याद आ गई मुझे। सामने जो है देखो प्लेट्स लगी खाने वालों के लिए और ये पूरा एरिया है जहाँ पे आप लोग आके खा सकते हैं। ये जो है इसके ऊपर जो है एक होटल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। तो जो है खाना पीना खा के हम लोग वापस निकल पड़े हैं झूला राइड के लिए। पूछे वाले झूले पे एक ही दो बार गए पता कि नीचे ही झूलते हम लोग अभी पैसे पूछ। हाँ ऊपर है।
जा। तो अभी जो है हम लोग वाटर पार्क से निकल के जा रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क की ओर। अब इसकी जो थीम है पूरा जो है यूरोपियन थीम है, कुछ कुछ ग्रीक वाली फीलिंग आ रही है, ग्रीक वाली और वेनिस वाली। अभी जो दो स्क्रीनिंग होने वाली, एक तो 70 करके दूसरी तारामंडल वाली, तो हम लोग अभी तारामंडल वाली में जा रहे हैं, उसमें कुछ स्पेस के बारे में बताएंगे। वाटर पार्क वाले हिस्से में तो जो है वो राइड्स हैं वाटर वाली, उसके अलावा जो अम्यूजमेंट पार्क है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ झूले हैं, वो भी जो मूवी देख के आए तो लगभग 10 मिनट की थी, स्पेस के बारे में थी, कोई मून मिशन है उसके बारे में थी। वो देख 70 करके था, पीछे जो है भांगड़े पे डांस हो रहा है कुछ लोग। देखो कितने ज़्यादा हाथी हैं यहाँ पे, पूरी लाइन बना रखी है हाथियों की, ऊपर जो है ट्रेन है। देखो जो है इजिप्शियन सिविलाइजेशन के जो है उसी पे आधारित चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे। इसमें देखो जो है उड़न खटोला से पकड़ा है, बैठे मुतर क्या क्या बोले ध्यान नहीं आ रहा, इसका नाम कुछ और भी होता है इंग्लिश में, हिंदी में तो उड़न खटोला जाने में। देखो अगर आपको जो है काम की बात बताएं, या अगर ब्लू बर्ड आना फुल वाली टिकट लेना, और आप जो सिर्फ पानी वाले वाटर पार्क में मत पड़े रहना, इसके अलावा बहुत सारे झूले बहुत सारे राइड हैं, कोशिश करना वाटर पार्क में कम टाइम लगाना, और जो एक्स्ट्रा राइड है उनमें टाइम भी लगाना आप, वरना जो है पूरे दिन हम लोग घूमते रहे वाटर पार्क में, इसमें हैं गीले वाले कपड़े, पीछे सोना सफर करके राइड होगी वो आपको दिख रही होगी। तो अभी जो है कुछ लोगों का मन है कि और थोड़े झूले झूल लो, बाकी लोग जो थक चुके हैं बोले झूलना नहीं, अब जो है घर पे चलना है। हाँ चले।
पानी का जो है उधर एक काउंटर लगा है, पानी का नहीं, वो कूलर होता है, वाटर कूलर है बहुत लगा हुआ है। बाजार की जो यहाँ पे बहुत कम जगह पे वाटर कूलर मिलेगा आपको, आपको पानी की बोतलें जो है मोटली खरीदनी पड़ेंगी। तो अभी जो है ये सर्विस भी लेट गए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं सौ में जाना इधर ही मामा कुन्नू जा, जो बड़े वाले झूले पे हम लोग जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं अभी। अब कम्युनिकेशन होना भी मुश्किल है क्योंकि मोबाइल नहीं है पास में है कि ये जो है 850 रुपये ज़्यादा नहीं, क्योंकि पार्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें घूमने को हैं और बहुत सारी फ्री राइड है। अगर आप फुल डे वाला जो है लेते हैं टिकट, हम लोग जो बटर राइडिंग करवाएँ और जो झूले वाली राइड थे वो मोस्टली हम लोग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सब पे लंबी लंबी लाइन है और टाइम जो है 6:30 के आसपास हो चुका है अभी। अब जो है हम लोग धीमे धीमे एग्जिट गेट की ओर आ रहे हैं, देख लेंगे और इधर भी क्या है कुछ एक दो। अब जो ये है एग्जिट, एंट्री पे तो जो फ्रूटी मिली थी एग्जिट पे साथ बता रहे आइसक्रीम है, देख क्या रहा है क्या है सर, आइसक्रीम के बॉक्स मिल रहा है सर, आइसक्रीम के बॉक्स है। थैंक यू भैया। ये जो मिली आइसक्रीम कौन है, हमारे कुछ बहुत दर्द कर रहे हैं यार। तो जो है हमारी कंडीशन है दबाई वाली घर पे, तो जो है कंडीशन कुछ ऐसी है कि टाइम पौने 7 बजे के आसपास हो गया, हम लोग गाड़ी में बैठ गए 6:52 हो गए, पापा लोग शिफ्ट पे बैठ के आगे निकल गए, हम लोग पार्किंग से निकल के जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। पीछे बिहारी हंस रहे हैं, पता नहीं लगभग 400 कर्मचारी काम करते हैं और जो है इसके जो मालिक हैं वो मिश्रा जी हैं, रावतपुर के रहने वाले हैं, वो वहाँ पे एक झूले वाले ने बताया था और उस झूले वाले की सैलरी थी 17,500। तो आप समझ लीजिए कि भाई कितना बड़ा काम उनका है और कितने लोगों को यहाँ पर रोज़गार भी मिल रहा है इसकी वजह से। जी लगाइए कि दिन में हमको बुलाए वो मंदिर जो है यही रास्ता जाएंगे, पहला कट लगा होगा तो बाबा आपके खाना के मंदिर वहीं से दर्शन करिए और उसके बाद इसी जगह स्कूल बना। अच्छा, स्कूल के फटक के रास्ता गए तो देख सकते हैं। तो आपने अभी तक हमका जी के सूर्य हमका जी का चेहरा बड़ी भाई मुहूर्त नहीं देखिए मुहूर्त वहाँ दिन में आ जब वही बुलाएंगे सही कह रहे हो आप। तो ये जो जगह है इसका नाम है खेरेश्वर धाम, ये जो शंकर जी का एक मंदिर है, जगह का नाम है शिवराजपुर, शिवराजपुर से लगभग 2-3 किलोमीटर अंदर है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ पे जो अश्वत्थामा जी थे महाभारत वाले, अश्वत्थामा जो थे महाभारत वाले, वो आज भी यहाँ पे जो है शंकर जी की पूजा करने के लिए आते हैं और रात में जो है सुबह के टाइम सबसे पहली पूजा जो है वही करते हैं यहाँ पे अश्वत्थामा जी। आपने हमने तो देखा था, हमने लाइव भी टीवी पे देखा था, उसके अलावा भी कई बार देखा, आज तक की टीम आई थी, उसके अलावा भी कई सारी न्यूज़ चैनल वाली टीमें आई थी जो यहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग करती रही कि अश्वत्थामा कब आएंगे, लेकिन जो है बीच में कुछ टाइम के लिए 1-2 मिनट के लिए लाइट भी चली गई थी। मैं हम पीछे दिखा रहे, ये जो पीछे बरामदा है हमें पूरा याद है, आज से 10-12 साल पहले हमने देखा था इसी बरामदे में आज तक की टीम रुकी हुई थी और साथ 1-2 बार जो है कुछ और भी न्यूज़ एजेंसीज थी जो यहाँ पे आई हुई थी, लेकिन वो जो है पता नहीं लगा पाए वो किस टाइम आए किस टाइम चले गए। रात में जब उसी रिपोर्टिंग में मैंने देखा था लगभग 1-2 मिनट के लिए बीच में लाइट गई थी, तो उसी बीच जो लोग अंदर मंदिर में इस वाले मंदिर में गए अंदर, तो उन्हें जो है पूजा करी हुई मिली थी। मानता यही है कि यहाँ पे जो अश्वत्थामा जो जिन्हें जो है चिरंजीव माना जाता है, उन्हें जाए कुछ आशीर्वाद जाने स्वाब मिला था कि हमेशा जो है चिरंजीव रहेंगे, कभी जो मृत नहीं होंगे।
बारह एक के बीच में कर जाते हैं। हाँ, सैन आरती जब 9 बजे करने के बाद बंद कर देते हैं तो 12 बजे करें या 12:30 या एक तक कर देंगे। तो आप यहाँ के पुजारी हैं? जी, हमने 10-12 साल पहले है ना, आदित्य कुमार मिश्रा है हमारा नाम, हमारा खिलौआ गांव है, तो ब्राह्मणों का ताजा पुजारी है। 10-12 साल पहले टीवी पर देखा था। जंगली पुष्प लाते हैं बेटा, कहीं कभी धूप लाते हैं, कहीं जंगली पुष्प, कहीं पेड़ सब ताजे चीज लाते हैं, और वो फूल ऐसे लाएंगे जो यहाँ मिलेंगे। अब रात में मच्छर नहीं सहन आती, भी चढ़ाते दोपहर में चढ़ाएंगे। ठाकुर ठेकेदारी काम करते हैं। अच्छा, वो बाबा, मतलब बाबा कौन थे? वो उनके जो उनके तुरारी के फूफा थे, वो रिश्तेदार तो जो है आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात पता चली, ये जो है यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे अश्वत्थामा आदि पूजा करने के लिए आते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चला होगा, हमें तो काफ़ी टाइम पहले पता था जब से हमने वो न्यूज वाली रिपोर्टिंग देखी थी, क्योंकि जैसे अभी पीछे गोपाल ही बता रहे थे, उन्हें नहीं पता था। तो आपका जो है मामा यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि मामा भी साथ ही था। बहुत अच्छा, बाबा की कृपा हुई तभी यहाँ तक पहुँचे। प्राचीन से मंदिर है, बाबा स्वयं विराजमान है। जय।